अब हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि अगर कोई भी शख्स फैक्ट्री लगाना चाहता है तो क्या करें, इसके बारे में तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन श्याम भाई ने आपको प्रोवाइड कर दी है, लेकिन फैक्ट्री लगाने के 5 बेसिक पिलर होते हैं कोई भी आपने फैक्ट्री लगानी है। तो जो सबसे पहला पिलर है वो है मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या चीज है, कौन बताएगा आप में से कि मार्केटिंग है क्या चीज, कैसे करें, क्या मामला है, वो एक अलग चीज है। ये है क्या मार्केटिंग, क्या है अपनी चीज को बेचना, अपनी चीज को पब्लिसिटी करना, चीज को बेच देना और उसकी पब्लिसिटी कर देना, चीज को बेचना और लोगों तक अपनी चीज पहुंचाना, बेचना और लोगों तक अपनी चीज को पहुंचा देना। मार्केटिंग मेरे नजर में ये है कि अपनी कोई भी जो प्रोडक्ट है वो किसी, जैसे हम किसी भी अपनी मार्केट में जो भी हर किस्म की बने उस प्रोडक्ट को वहां तक रसाई देना, उसको पहुंचाना, प्रोडक्ट को वहां तक रसाई दे देना। और इसके अलावा अपनी प्रोडक्ट को बताना कि ये मेरी प्रोडक्ट है, उसका तारुफ लोगों के सामने पेश करना, अपनी प्रोडक्ट का तारुफ पेश करना। और कोई प्रोडक्ट को ब्रांड बनाना। चलो पहले तो ब्रांड का कीड़ा कट देते हैं, ब्रांड की है वो मार्केटिंग बात ही कर रहे हो, ब्रांड आ गया ना। ब्रांड क्या है भाई, ब्रांड नाम की चीज कोई नहीं है, पहले तो ये बुखार उतारो, ब्रांड होता क्या है ये जरा गौर से सुनिएगा इस बात को। ब्रांड क्या है, आपका ब्रांड किस चीज को आप ब्रांड कहते हो। आज मैंने एक साबुन की फैक्ट्री लगाई है, आज ही लगाई है मैंने, साबुन बना ली 1000 और मैंने अपने एक मोहल्ले में दे दी, पहले मोहल्ले में दी, एक गली में दी है, एक गली वालों को मेरा साबुन पसंद आ गया, अगले दिन हफ्ते 2 हफ्ते बाद उन्होंने मेरा साबुन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब जो लोग मेरा साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उनका ब्रांड क्या है, ये ग्लूमी साबुन ब्रांड है जो मेरा साबुन है, वो एक गली का ब्रांड बन गया। थोड़ा वक्त गुजरा, मैंने आहिस्ता आहिस्ता मोहल्ले में इंट्रोड्यूस करवाया, मेरे मोहल्ले वालों ने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दी, एक मोहल्ले का ब्रांड बन गया। फिर इसी और आगे चले जाएंगे, एक पूरे गांव में अगर इस्तेमाल होना शुरू हो गया तो ये एक गांव का ब्रांड बन गया है। थोड़ी सी और आगे चले जाएंगे, अगर एक शहर में इस्तेमाल होना शुरू हो गया तो अब ये मेरा ब्रांड है, लेकिन इसकी रेंज है ओनली 1 सिटी, एक शहर, पूरे खाले वाल शहर का ब्रांड है ग्लूमी साबुन। ठीक है, चलते चलते और इसको मैंने बढ़ाया तो पूरे सूबे में इस्तेमाल होना शुरू हो गया, तो मेरा पूरे पंजाब का ब्रांड है ग्लूमी साबुन। अगर यही पूरे पाकिस्तान में जाना शुरू हो गया तो ये मेरे पूरे पाकिस्तान का ब्रांड है ग्लूमी साबुन। अगर ये एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया तो ये इंटरनेशनल ब्रांड बन गया कि इंटरनेशनल भी ये सप्लाई होता है। तो ब्रांड नाम की चीज कोई नहीं है, ये वैसे हमारे दिमागों पे हवा सवार है और हमारी प्योरिटी होती है। अगर मैं बाटा को, कुछ लोग यानी कि मैं बाटा को अगर ब्रांड समझता हूँ, हो सकता है कि भाई का ब्रांड सर्विस हो, वो बाटा को पसंद ही नहीं करते, इनका ब्रांड ही नहीं है। तो ब्रांड हमारे जेनों पे सवार है, तो ब्रांड नाम की और कोई ऐसी, आपकी चीज भी ब्रांड बन जाएगी, आप खुद भी ब्रांड हो, लेकिन जुमला वही है भाई, आप खुद ब्रांड बन जाओ, आपसे थोड़ी हर चीज ब्रांड बन जाए, मजा तब है। यानी कि इतनी मेहनत तो करो ना, लोग आपके साइन के लिए तो दर्शे ना भाईजान ऑटोग्राफ, इतनी मेहनत तो जिंदगी में कर जाओ, मजा है, जीने का मजा आएगा आपको। छोटी सी जिंदगी है, पता नहीं 10 साल है, 5 साल है, 8 साल है, 20 साल है, उसके बाद वैसे अलविदा हो जाए, क्या करना है। एनी हो, तो बात हमारी चल रही थी मार्केटिंग पे, तो आप लोगों ने बताया कि किसी ने फला चीज बेचना मार्केटिंग है, लोगों को तो इंट्रोड्यूस रसाई करवाना मार्केटिंग है, बिल्कुल ठीक का, अपनी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन हमने कोई 67 लाख का नुकसान भी किया, गली गली धक्के भी खाए, मुख्तलिफ चीजों से सीखा भी, और यह सीखा कि मार्केटिंग क्या है। आपकी प्रोडक्ट फर्ज करें या ग्लूमी साबुन है, अपनी प्रोडक्ट को लोगों के जहन तक पहुंचाना, ये मार्केटिंग है जी, यही होती है ना, बिल्कुल नहीं भाई जान, जहन तक नहीं पहुंचाना, अपनी प्रोडक्ट को लोगों के
दिमाग में घुसाने का दाम मार देते हैं, इस जेन में उतर जाए। इसके डिफरेंट टूल होते हैं, वो हम अभी आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको जेन में उतारने का नाम मार्केटिंग है कि आपने फला फला जो भी काम किया, लेकिन ये बंदे के जेन के अंदर चली गई है, अब ये मार्केटिंग है। इसकी मिसाल एक मैं आपको छोटी सी समझाता हूँ। फर्ज करे जी गर्मियों का मौसम है, क्या पीना है? हाँ जी ठंडा है, गर्म ठंडे में ऑप्शन देता हूँ ना, क्या पिएगा भाई? कोक स्प्राइट मिरिंडा, कोक पिएगा भाई लोग? क्या पिएंगे आप? क्या ठंडे में कोक स्प्राइट मिरिंडा? कोक ही चलेगी। पीछे से और भाई जूस, जूस ठीक है, स्प्राइट भी। अच्छा अरे ये हमने ना एक प्रैक्टिकल किया छोटा सा कि भाई मैंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया ना, क्या पियोगे? कोक स्प्राइट मिरिंडा, तीन लफ्ज जेन पे आए, चौथा अभी मेरी दीवार पे ही है। इधर से जो मेहमान है आने वाले भाई भी है, ये भी क्या कह रहे हैं जी, क्या भी नहीं है, कोई कोक या कोई स्प्राइट? तो मकसद ये है, कोक या स्प्राइट मुझे किसी ने फोर्स किया या फिर ये चीज मेरे जेहन में उतरी हुई है, लफ्ज कोई और जेहन में क्यों नहीं आया? अगर भाई ने जूस का नाम भी लिया तो आगे पूछे नहीं कि कौन सा ब्रांड, चलार पियोगे, केड़ा पियोगे, यानी एक या दो जूस के ब्रांड जेहन में आते हैं, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, ठीक है? तो ज्यादा वो चीज चलती है जो जेहनों में उतरी हुई हो। ये तकरीबन 19वीं सेंचुरी के आखिर से ये कंपनी बनी है कोका कोला, और आज तक भी अगर आप गौर करें, अभी सीजन स्टार्ट होने वाला है, टीवी पे ऐड आना शुरू हो गए, चला रहे ऐड या नहीं चला रहे? चलाते हैं, आज तक भी ऐड चलाते हैं, हालांकि कितनी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है लेकिन आज भी ऐड चला रही है। क्या करती है? हमारे दिमाग के अंदर इसको घुसाती है बार बार, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, मैं इधर ही दुनिया में हूं, मैं हूं, हालांकि हर दुकान पे स्टॉक पड़ा हुआ है, हर गली तक ये पहुंच गई है, हर मोहल्ले तक पहुंच गई है, उसके बावजूद भी मार्केटिंग आज भी ऐसी कर रही है। एनीहो नेक्स्ट से जी फैक्ट्री लगाने का जो दूसरा पिलर है वो है जी मशीनरी। कहां से मिलेगी, कितने में मिलेगी, कौन देगा, कैसी होगी? मशीनरी के हवाले से सबसे अहम एक ही सवाल है, जहां से भी ले और कोई भी मशीन ले तो जेहन में उठना चाहिए आपके एक सवाल, वो क्या जी? सबसे अहम क्वालिटी अच्छी हो, जेन्युइन हो, काफी देर तक चले, ज्यादा देर तक चले, प्राइस अच्छी हो, मिलती जुलती बात कर रही है। यानी कि मशीन है, कोई भी मशीन है, ये प्रोजेक्टर लेके आया मशीन है ना, ये जब ये चलेगी ना, अंडरस्टूड बात है, इसकी लैंप की एक लाइफ है, उसके बाद जाके लैंप डिम हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, लैंप चेंज करूंगा ना, मशीन ले तो ली है, उसके बाद वाली बरस कौन बनेगा? सबसे मेन चीज होती है, चाहे वो गाड़ी है चलेगी तो उसने खराब होना है, चाहे वो पंखा है, चाहे वो वाशिंग मशीन है, चाहे वो फैक्ट्री है, भाई ये मैंने ले ली, इसका वाली बरस कौन बनेगा? यानी कि आफ्टर सेल सर्विस क्या होगी? कोई भी मशीन फ्री लेने जाएंगे, इसीलिए नहीं चाहे, ये आपके जेहन में सबसे पहला सवाल होना चाहिए कि मैं चीज ले तो लेता हूं, उसके बाद फिर क्या होगा? यानी कि आपके जेहन में मशीनरी के हवाले से एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि भाई इसका मालिक वाला कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस स्टाफ जो मशीनरी में डील करती है अगर, तो लाइफ टाइम आफ्टर सेल सर्विस देती है, बाकायदा कंप्लेंट सेल नंबर है, कॉल करें 48 घंटे में हमारा जो नुमाइंदा जाके कंप्लेंट को ओके करता है, उसका सोल्यूशन देते हैं, और कंप्लेन आती है, क्यों कंप्लेन सारे इसीलिए बनाया गया, कंप्लेन आती है भाई, आएगी। आप भी कल जब साबुन बनाओगे ना, सब ने एक्सेप्ट नहीं करना, कंप्लेन आनी है, जेहन में रख लेना, चाहे सरफ बनाओ, जूस बनाओ, केबल बनाओ, क्यों? बड़ी बड़ी कंपनियों में आती है, बड़ी बड़ी कंपनी है, आप फ्रिज एसी को ले जाए घर आके खोलते हैं, लो जी कंप्रेसर कूलिंग नहीं कर रहे, वो जाते कपड़े का थान ले गए दरम्यान में कटने के लाते, क्या करोगे? आ जाती है, तो ये बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट है रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, कौन देगा, कैसा होगा? रॉ मटेरियल के हवाले से एक चीज है जी कि रॉ मटेरियल जो है कब तक मिलेगा,
ये मेन क्वेश्चन है। बाकी सस्ता होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, वो जनरल चीजें सबको पता है इस बात, लेकिन कब तक मिलेगा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। नेक्स्ट है जी ट्रेनिंग, जिसके लिए आज आप लोग आए हुए हैं। आखिरी और लास्ट पिलर है इन्वेस्टमेंट, यानी कि पैसा लगाना। हम इंसान ना मजाजन इस तरह से है कि कहीं से हमारे पास पैसा आ जाए, लाख दो लाख पांच लाख दस लाख आ गया। अब पैसे की भी अंदर एक गर्मी होती है जो कितने नहीं देती, मैं इन ला दे नहीं। पैसा लगाना कामयाबी नहीं है, बल्कि उससे पहले के काम करना बड़ी कामयाबी है। तो पैसा लगाने से पहले आपने ये चार काम जरूर करने हैं। नेक्स्ट है जी, आपने अपनी प्रोडक्ट बाद में डिसाइड करनी है, उसकी प्राइस बाद में डिसाइड करें, प्रॉफिट बाद में डिसाइड करें, उसकी पोजीशनिंग बाद में डिसाइड करें। सबसे पहले आपने कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी करना है।